अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 5 वीक 8 के डे 1 में आपको खुश आमदीद। मैं आपकी सिंधी की टीचर मैम आलिया। मैं आज आपको आपकी किताब का चैप्टर नंबर 9 हातिम ताई की रीडिंग करवाऊंगी और उसका थोड़ा सा काम लिखवाऊंगी। बच्चों, अब आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें और ऊपर लिखा हुआ सबक नाम हातिम ताई, जो कि हातिम ताई वो शख्स थे जो कि अपनी सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब इस तरह पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हातिम अरबिस्तान मुल्क जे यमन वारे इलाके जो हाकिम हो, हीअ तई कबीले मां हो, तंहिं करे खेसि ताई सॾींदा हुआ। हुन जो नालो सखावत करे ॾाढो मशहूरु हो। उसके मायने ये कि हातिम अरबिस्तान मुल्क के यमन वाले इलाके का हाकिम था। वो तई कबीले में से था, इसलिए उनको ताई पुकारते थे। उनका नाम सखावत की वजह से बहुत मशहूर था। अब आगे पढ़ेंगे। चवन था तको ब साइल संदस दर ता करे खाली ना मोटियो, हिन सखी मर्द के मोथाजन ऐं मिसकीनन जी मदद करे दिली आराम ईंदो हो। उन करे हुन पंहिंजी समूरी मिल्कियत ऐं माल खुदा जी राह में ज़रूरतमंदनि खे ॾेई छॾियो। कहते हैं कि कोई भी सवाली उनके दरवाज़े से कभी खाली हाथ ना लौटा। इस सखी मर्द को मोथाजों और मिसकिनों की मदद करके दिली आराम मिलता था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद और माल खुदा की राह में ज़रूरतमंदों को दे दिया था। अब आगे पढ़ें। संदस सखावत जी हिक गाल मशहूर आहे त अरबिस्तान जो हिक अमीर हातिम जी सखावत जो गाली बुधी पयो दिल में सड़ंदो हो। उनकी सखावत की एक बात मशहूर है कि अरबिस्तान का एक अमीर हातिम की सखावत की बातें सुनकर दिल में जलता रहता था। आगे पढ़ें। हिक ॾींहुं इहो अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तिहान वठण लाइ वट्स लंघी वियो। हातिम हुन जी ॾाढी ख़िदमत कई, हुन जे खाधे वग़ैरह जो चङो इंतज़ाम कयाईं। राति जो आराम करण खां पोइ जॾहिं सुबुह जो हातिम अमीर खां अहिवाल पुछियो त अमीर खां ई संदसि प्यारे घोड़े जी घुर कई। एक दिन वो अमीर हातिम की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए उसके पास गया। हातिम ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की और उसके खाने वगैरह का अच्छा इंतज़ाम किया। रात को आराम करने के बाद जब सुबह को हातिम ने अमीर से हाल अहवाल पूछा तो अमीर ने उनसे उसका प्यारा घोड़ा मांगा। अब आपने अपनी कॉपी में हातिम ताई सबक का टाइटल पे जिस तरह बनाना है, जैसे लिखा हुआ तहरीरी कम, खुशखती एक पैराग्राफ, लफ्ज़ मायने 18, सवालन जा जवाब 5, लफ्ज़ जुमला 2, मश्क बेवाई जमा 6। अब आपने टाइटल पेश के बाद खुशखती करनी है पूरा एक पैराग्राफ। इसके बाद आपने लफ्ज़ मायने की हेडिंग डालनी है और पहला वर्ड इस तरह कदें का मतलब है कभी। नंबर 2 साइल सवाली, नंबर 3 वर्ड्स इसके पास, नंबर 4 गाल बात, नंबर 5 खादे यानी खाने, नंबर 6 अरहा नाराज, नंबर 7 मुंझायो परेशान किया, नंबर 8 कुही ज़िबा करके, नंबर 9 बुद्धम सुना, नंबर 10 मोटियो वापस हुआ, नंबर 11 लंघी वयो चल कर गया, नंबर 12 दई देख कर, नंबर 13 सरंदो हो जलता था, नंबर 14 वठण यानी लेना, नंबर 15 जड़े जब, नंबर 16 घुरियो मांगा, नंबर 17 डिठम देखा, नंबर 18 लहण लेने। क्लास 5 वीक 8 के डे 1 में आपका होमवर्क ये है कि आपने हातिम ताई की रीडिंग वहाँ तक करनी है जहाँ तक मैंने आपको करवाई है, और इसके बाद इसका टाइटल पेज बनाना है, इसकी खुशखती लाजमी लिखनी है एक पैराग्राफ, और लफ्ज़ मायने
आपको लिखना है और याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।